तो हे गाइस वेलकम बैक टू गोरक्ष गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज आप सब लोग देख रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का पार्ट पिछले से अगला। तो गाइस आज किस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले अपनी स्टोरेज के लिए थोड़ी सी एक ह्यूज बिल्डिंग, मतलब अपना कुछ कूल स्टफ्स आज बनाने वाले इस वाली वीडियो में, क्योंकि मेरे को स्टोरेज की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। आपको जैसे कि पता होगा अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हो, और नहीं हो तो बन जाओ, क्योंकि मैं अपने चैनल पर यार कूल स्टफ्स डालता रहता हूँ। इसलिए तो आज किस वाली वीडियो में देख सकते हो मेरे पास इतनी सी स्टोरेज है। तो गाइज उसके लिए मैंने जो जो सामान कलेक्ट करना था वो सब मैंने कलेक्ट कर लिया। इस चेस्ट में मैंने सब कुछ कलेक्ट कर लिया जो चाहिए, लेकिन इसमें हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, जो कि है डार्क प्रिज्मरीन ब्लॉक्स। डार्क प्रिज्मरीन ब्लॉक्स इसलिए क्योंकि वो बहुत कूल लगेंगे जब वो हम लगाएंगे अपने बिल्ड में, तो वो बहुत कूल लुक देने वाले। तो वो मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है, देख सकते हो 25 ही है डार्क प्रिज्मरीन ब्लॉक्स। तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा ओशन मोन्यूमेंट पे, जिस पे मैं पहले रेड करके आ चुका हूँ। तो वहाँ पर जाकर मेरे को थोड़े से डार्क प्रिज्मरीन ब्लॉक्स लेकर आने पड़ेंगे। मेरे को शायद दो स्टैक भी नहीं, उससे ज़्यादा ही लगने वाले, क्योंकि जो चीज़ हम बनाने वाले बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है और ज़बरदस्त होने वाली है लुक में। तो चलो वीडियो को एंड तक देखना, और एंड में जो मैं सिनेमेटिक शॉट्स लगाऊंगा आप उनको भी इंजॉय करना, और देखना कि कैसा लुक आएगा हमारी बिल्डिंग का, तो वो भी मेरे को कमेंट्स में बता देना। तो चलो फटाफट से ना, मैं सो भी नहीं सकता क्योंकि बारिश भी आ रही है और रात हो ही नहीं रखी, तो सो भी नहीं सकते। तो यहाँ से मैप उठा लेता हूँ फटाफट से ओशन मोन्यूमेंट का, और यहाँ से मैंने मैप उठाया, और अपने पास ही लाइट रहा है तो जाने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, बस 2 मिनट में पहुँच जाएंगे जाने में। तो चलो फटाफट से ना चलते हैं अब सीधा ओशन मोन्यूमेंट के। तो गाइस फाइनली हम ओशन मोन्यूमेंट पे पहुंच चुके हैं। तो मेरे को थोड़ा मतलब क्या ही कहूँ, थोड़ा बहुत तो मेरे को बच के रहना पड़ेगा। ये जो छोटे मोटे एंडर गार्डियन होते हैं ना, एंडर गार्डियन इनको पता नहीं क्या कहते हैं, ये छोटे मोटे उसके चेले होते हैं ना, ये थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं, और मेरे को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। मेरे को ब्रीदिंग की भी देखनी पड़ेगी, वैसे तो मेरे हेलमेट में रेस्पिरेशन लगी हुई है, ओ तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली मेरे को। और थैंक यू गाइस फॉर योर ऑल लवली सपोर्ट यार, जो भी लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे पॉजिटिव, तो उनके लिए यार थैंक यू। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके साथ खेलूँ या फिर कंटिन्यू करूँ, तो उसके लिए पहले यार मेरे को देखो आपके साथ खेलने के लिए मेरे को यार थोड़ी सी 1K करवा दो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि SMP में एक अलग चीज़ होती है खेलना, और मल्टीप्लेयर एक अलग चीज़ होती है खेलना, वो भी मोबाइल में। वो मोबाइल में बहुत हार्ड हो जाता है मल्टीप्लेयर, मैं सिंगल प्लेयर में ही देख सकते हो बहुत ज़्यादा FPS ड्रॉप दिख सकते हैं, तो मल्टीप्लेयर में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और मेरे को पिछली बार है ना ओशन मोन्यूमेंट में स्पॉन्ज वाला रूम नहीं मिला था, तो मैं कोशिश करूँगा इस बार ही वो जो स्पॉन्ज वाला रूम है वो ढूँढने की कोशिश करते, देखते इस बार ही मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो यार होता तो है सबके ही मतलब जो भी वर्जन आज तक आया माइनक्राफ्ट के सभी में होता वो। तो गाइस चलो फिर से चलते हैं अंदर ढूँढने उनको। तो गाइस फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ, और मैं दोबारा से एक बार डुबकी मार लूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ मेरे को ये 2-3 प्रिज्मरीन के ब्लॉक दिखे थे डार्क प्रिज्मरीन के, और इनको लेने के लिए मैं ऊपर आ गया, और मेरे को थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी चल लेते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन है हेलमेट में, तो 1-2 मिनट तो मैं टिक जाऊँगा पानी में, और अंदर जा नहीं पा रहे क्या दिक्कत। ओके आगे, और ये जितने भी प्रिज्मरीन ब्लॉक है सारे मैं कलेक्ट करने वाला हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर लेते हैं। तो चलो फटाफट से इन्हें सारा कलेक्ट करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ जो हमारा स्पॉन्ज रूम है उसे ढूंढने की, जो कि बहुत हार्ड टास्क होगा, क्योंकि पिछली बार भी मैं ढूंढ नहीं पाया था जब मैं ओशन मोन्यूमेंट पे रेड मारी थी, और इस बार भी देखते अब कोशिश करते हैं एक बार, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या ही। ओके गाइस ये क्या देख लिया भाई मैंने, सीरियसली मैंने गाइस जैसे ही रेंडमली ऐसे ही माइन करा था, और ये देखो मतलब रेंडमली मैंने ऐसे ही माइन करा था और मेरे को स्पॉन्ज रूम मिल गया। मतलब यार आज क्या ही लक चल रहा है, मतलब क्या ही बताऊं। और आज हम ये नहीं करने वाले थे वीडियो में, लेकिन क्या ही बताऊं,
और डार्क प्रिज्मरीन कलेक्ट करने आया था, तो चलो फटाफट से वो भी कलेक्ट करते हैं, ये भी कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद सीधा चलते हैं घर। फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मैं कितना बड़ा आया कुछ कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ वो। फिर वो कंप्लीट करने के बाद मैं जो फाइनल लुक है जो हमारी बिल्डिंग का वो दिखाऊंगा, और फिर लास्ट में आपको सिनेमेटिक शॉट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलो फटाफट से ना सारे स्पॉन्जेस को कलेक्ट करते हैं, और मतलब आज तक दिन बन गया मेरे को, बहुत ज़्यादा स्पॉन्ज मिल गए। तो चलो सारे स्पॉन्जेस को कलेक्ट करते और सीधा चलते घर पर, लेट्स गो। सो ओके गाइज, मैं फाइनली घर पर आ चुका हूँ। तो और घर पर आने के बाद मैं जो आप देख ही सकते हो, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, आउटलाइन बनाई है मैंने आपके लिए, बनाई है समझने के लिए। वैसे मैं पूरा ट्यूटोरियल नहीं दूंगा इस बिल्ड का, क्योंकि ये जो बिल्ड है बहुत ज़्यादा जॉइंट होने वाला है, और उसकी वजह से ये बिल्ड मेरे 7 से 8 घंटे आराम से ले सकता है। वैसे भी यार क्योंकि सर्वाइवल में हम बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड बनाने में यार मेरे को मुश्किल होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हवा में बनने वाली है, तो आप समझ ही सकते हो बहुत हाइट पे बनने वाली है, तो उसमें मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन ठीक है, कर लेंगे, थोड़ी सी सह लेंगे थोड़ा। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा स्नीक पिक दे दिया कि मेरा कितना बड़ा स्ट्रक्चर होने वाला है, नीचे से इतना वाला होने वाला है, लेकिन जो लुक वाइज है वो ज़बरदस्त होने वाला है। तो मैं अपना जो सारा सामान है वो कलेक्ट करने के लिए आया था, और मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है, तो इन्वेंट्री को फटाफट से खाली करते हैं, और फिर जो सारा सामान है उसे कलेक्ट करते हैं, और फिर जो अपना बिल्ड है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो गाइज। सो गाइज फाइनली यार बिल्ड तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा स्नीक पिक देने के लिए वीडियो थोड़ा सा दिखा दिया कि मैं बना क्या रहा हूँ। तो देख ही सकते हो कुछ इस तरीके का भी के लिए ये एंट्रेंस होगी हमारी यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके की एंट्रेंस होगी यहाँ से, ये स्टेयर्स लगी, तो ये एंट्रेंस तो हमारी कंप्लीट होगी। और साइडों से मेरे को वॉल्स भी कवर करनी है, और जो लुक आएगा अभी नहीं लुक आएगा, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ लुक आएगा, अभी लुक नहीं आएगा, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, अगर आपको है ना फाइनल प्रोडक्ट में मज़ा नहीं आया ना, तो यार मैं क्या ही बताऊँ, इतना मज़ा आएगा ना फाइनल प्रोडक्ट, आप बोलोगे कि मेरे को भी बनाना भाई सर्वाइवल में, तो कैसे भी ना कैसे भी भाई मेरे को तो बनाना ही सर्वाइवल में। इतनी ज़बरदस्त लुक वाली बिल्डिंग होगी ना, कसम से एक टावर कह सकते हो इसे, लेकिन ये ऐसा टावर बनने वाला है ना, ऐसा नॉर्मल ही नहीं कि ऐसा ही कुछ भी बना ले आपका भाई सर्वाइवल सीरीज में, ऐसा कुछ भी नॉर्मली नहीं बनाता, जो बनाता है वो बहुत अच्छे लुक वाइज बनाता है, और बहुत अच्छा देखने के लिए बनाता है, तो आप देख ही सकते हो। तो थोड़ा मैं लुक पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम पे, क्योंकि जो हमारी सर्वाइवल सीरीज है हम लुक पे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप समझ ही सकते हो। तो अब बिल्कुल बिल्कुल भी लुक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ज़बरदस्त लुक आने वाला है। तो चलो मैं फटाफट से आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट से मैं कंप्लीट करता हूँ, कंप्लीट करने के बाद जो लुक है वो दिखाता हूँ, फिर आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका फिर आपको सिनेमेटिक शॉट्स दिखाऊंगा। और आपको मेरे को कमेंट्स करके बता देना है सिनेमेटिक शॉट्स कैसे लगे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, कसम से मैं पहली बार सिनेमैटिक शॉट्स डाल रहा हूँ अपनी वीडियो में, मतलब खुद का मैंने पहली बार कुछ ट्राई करा है सिनेमैटिक्स का। तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना कि आपको कैसे लगे सिनेमैटिक शॉट्स, कर दिया करो यार कमेंट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है दिल से अगर आप कमेंट्स करते हो, और आपके कमेंट्स पढ़ने में। और कुछ भाई तो ऐसे भी है जो कि मेरे को सपोर्ट भी करते हैं, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, तो थैंक यू फॉर दैट भाई, सच में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी कमेंट कर दिया करो अगर आप देख रहे हो तो। तो चलो फटाफट से वो भी कमेंट कर दो, अभी प्रोडक्ट जो होने वाला है वो दिखाऊंगा अभी आपको। तो चलो फटाफट से ना बनाता हूँ, तो 3 2 1 लेट्स गो। सो गाइस, भाई मेरी 7 से 8 घंटे की मेहनत मैं फाइनली आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब दस्त ज़बरदस्त लग रही है, मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको फटाफट से, और मैं इस पेड़ पे इसलिए चढ़ा हूँ ताकि मैं इलाइट्रा से उड़ के आपको थोड़े बहुत शॉर्ट्स दिखा पाऊँ, लुक जो दिखाना है वो दिखा पाऊँ। तो चलो फटाफट से ना चलते हैं, आपको जो दिखाना है वो भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो फटाफट से ना चलते यार, मतलब मेहनत तो लगी, और इस मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता, आपका थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो एक लाइक और सब्सक्राइब करके। सो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, पीछे की साइड देखते रहना देखना। तो भाई ये देखो, मतलब आपको कुछ नए और कुछ डिफरेंट लुक दिखा तो नहीं दिखा, तो अभी देख रहा हूँ, ये देखो पीछे की साइड, और अभी भी नहीं दिखा, कोई बात नहीं, अभी हम आपको ढंग से दिखाने वाला हूँ, और सिनेमैटिक्स में तो बिल्कुल क्लियर दिखने वाला है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको एक अच्छे से लुक। तो गाइस कुछ इस तरीके का हमारा जो लुक है वो है, ये मैंने अपनी स्टोरेज के लिए बनाया, इसके अंदर पूरे शल्कर्स और चेस्ट वेस्ट सब होगी, तो मैंने इसलिए बनाया।
तो अगर आपको पसंद आए तो आप सिनेमैटिक शॉर्ट्स को एंजॉय करो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। सिनेमैटिक शॉर्ट्स के बाद वीडियो एंड होने वाली है तो वो आप एंजॉय करो और फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑन हाँ, सिनेमैटिक शॉर्ट्स को एंजॉय करके जाना। तो चलो कमेंट्स में बता भी देना कैसे लगे। लेट्स गो।